कल ही सरकार ने कैबिनेट ने एक लॉकडाउन जो कैपिटल रीजन का जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंशन करने का कल डिसीजन ले लिया। अब ये एक्सटेंशन जो है 13 जुलाई से लेके मॉर्निंग 5 बजे से लेके 20 तारीख तक 20 जुलाई 2020 मॉर्निंग 5 बजे तक ये लॉकडाउन एक्सटेंडेड रहेगा। तो इसको किस तरीका से रेगुलेट मार्केट्स वगैरह को करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली अभी लॉकडाउन चूँकि आगे बढ़ा दिया, तो सरकार ने भी सोचा कि कुछ लोगों को स्पेशली राशन पानी के लिए राहत देना चाहिए, तो उसके चलते सरकार ने रेशन और ग्रॉसरी वेजिटेबल मीट शॉप्स इसको स्पेशली जो सेक्टर एरियाज है कॉलोनीस है उसको लॉकडाउन से उन्होंने राहत दिया है। तो उसको इस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा कि जितने भी सेक्टर्स में जो राशन ग्रॉसरी वेजिटेबल मीट का जो दुकान है उसको सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक इसको अलाउ किया जाएगा, उसके बाद वो बंद होना चाहिए। और इसमें डेट ऐसा किया कि हम 13 और 14 ये दो दिन जो है इसको खुला रखेंगे, जो सेक्टर्स का मार्केट है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। उसके बाद 15 और 16 की तारीख को ये बंद रहेगा, सेक्टर्स का कॉलोनीज का मार्केट भी बंद रहेगा। फिर हम 17 को सेम टाइमिंग पे फिर खोलेंगे और 18 और 19 को फिर ये बंद रहेगा। मतलब ये अल्टरनेट डेज में खुला और बंद जैसा है। मतलब 13 और 14 ये दो दिन इसलिए राहत दिया क्योंकि कंटिन्यूसली अभी इतना दिन बंद होके आया। 13 और 14 को जो ग्रॉसरी राशन वगैरह लोग अपना अपना सेक्टर्स में निकाल के कलेक्शन कर सकता है। उसके बाद 15 और 16 को कम्प्लीटली लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद 17 को फिर एक दिन का राहत दे देगा, साग सब्जी वगैरह कुछ भी जो राशन पानी अगर कमियाँ हो गया तो उस पर 17 को आप जुगाड़ कर सकता है। और 18 और 19 को फिर बंद होगा, 20 तारीख को तो ऐसा ही खुलना है। तो ये टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम का 5 बजे तक इस टाइम के अंदर पे इस तरीका से रेगुलेट होगा। तो ये लेकिन इस पे मेन मार्केट्स जितना भी है, जैसे सब्जी का हो गया, मीट मछली का, जितना भी हमारा आकाशदीप हो गया ईटानगर में, जैसा आपको गंगा मार्केट हो गया, सी सेक्टर वाला मार्केट हो गया, नाहरलगन का जो मेन मार्केट है वो सारा बंद रहेगा। जो हाईवे के इर्द गिर्द जितना भी मार्केट्स है, बड़ा मार्केट है, वो सब बंद रहेगा। और ग्रॉसरी शॉप्स जो सेक्टर्स के अंदर में जो फंक्शन करेगा, अगर उनको ज़रूरी सामान लेना है तो वो होलसेल से ले सकता है, लेकिन होलसेलर्स लोग डायरेक्टली आम आदमी को सेल नहीं करेगा, वो रिटेलर्स को सेल करेगा जो सेक्टर्स पे जिसका दुकान है के अंदर में, कॉलोनीज के अंदर पे जिसका दुकान है उसको सेल करेंगे, फिर रिटेलर्स कॉलोनी के अंदर में इसका वितरण होगा। इसका मूल आइडिया ये है बेसिकली कि कॉलोनी के लोग बाहर ना निकले, मेन मार्केट पे ना निकले, सिर्फ अपने सेक्टर्स के अंदर कॉलोनीज के अंदर खाने पीने का जो एक सप्ताह का जो लॉकडाउन है उसके चलते खाने पीने का जो बेसिक नेसेसिटीज़ को अपने सेक्टर का अंडर करना है। इसका मेन कारण ये है कि लॉकडाउन के चलते हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ये जितना भी अगर
कुछ केसेस अगर हम मिलता है जो अभी की हो रहा है, क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आपको केसेस हम लोग को मिलना शुरू हो गया है, कि इस तरीका से सेक्टर्स में अगर हम दुकान को अलाउ करेंगे तो अगर सेक्टर्स में अगर कोई पॉजिटिव केसेस भी मिलने से ये सेक्टर्स में ही कंटेन रहे, इसका बाहर ट्रांसमिशन ना हो, लोग अपने सेक्टर से बाहर जाके मेन मार्केट में इधर उधर घूमने से इसका ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपने सेक्टर्स में होने से इसका कंटेनमेंट हमारे लिए भी, हमारा मेडिकल जो टीम है उनके लिए भी ज़्यादा सुविधा रहेगा। इस नज़रिया से सेक्टर्स में हम लोग ने कंटेन करने का कोशिश किया है। और ये जो लॉकडाउन का कारण, तो आप लोगों को हमारे लर्नर चीफ सेक्रेटरी ने कल आप लोगों को उसका डिटेल भी बता दिया कि सडनली हमारे कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस है वो सडनली कैपिटल रीजन में बहुत बढ़ने लग गया है और अभी क्वारंटाइन सेंटर से भी बाहर निकलने लग गया है, इसलिए ये लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी फील किया। तो बेसिकली ये दो कारण से है कि हम मेन मार्केट को बंद करके इसको यहाँ अपना सेक्टर्स में इसको मार्केट को ऑपरेट करने का जो प्लान लिया, उस कारण से है कि हम कंटेनमेंट जितना हो सकेगा इसको करने का।